माय चैनल सना का जुनून। तो कैसे हैं आप लोग? एंड आज मैं जा रही हूँ जनपद, तो चलो बताती मैं पहुंच गई जनपद मार्केट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्केट ऑफ दिल्ली। और फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो बैंगल्स, इयररिंग्स। फ्रेंड्स यहाँ पे ना सारे मतलब स्टार्टिंग प्राइस बता रहे थे 100 to 150 स्टार्टिंग था, और मैं यहाँ पे मैचिंग लगा रही हूँ। और फिर आप देख सकते हो भाई सब क्या एनवायरमेंट है। और मैंने ये लोटस का यू नो फ्लावर देखा, लाइक आर्टिफिशियल ऑब्वियसली, बहुत क्यूट था, बहुत क्यूट। फ्रेंड्स ये देखो, इसमें आप पानी डालोगे ना ये ऊपर आ जाएगा, खूबसूरत है यार। एंड फ्रेंड्स मुझे जनपद जाके इतना मजा आया यार, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही थी। फ्रेंड्स सब कुछ बहुत प्यारा था। एंड वो जो आपने लालटेन देखा विच इज़ कलर्ड, वो 2500 रुपीज़ का था बड़ा वाला। एंड फिर यहाँ पे झुमका, ओह माय गॉड, ये 1200 to 1300 का था। और फिर मैं यहाँ पे मज़े कर रही हूँ यार मिरर में, वाओ बोहो मिरर, बहुत मज़ेदार वाइब्स है फ्रेंड्स यहाँ पे। 1350। सो फ्रेंड्स ये 3-पीस सूट जो मैंने देखा ये भी मुझे बड़ा यूनिक लगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो, बहुत से लोग बार्गेनिंग कर रहे थे यहाँ। तो फ्रेंड्स इस दुकान पे ना इनका 1200 रेट है, 1200, बट कॉटन के दुपट्टे भी अच्छे हैं। फ्रेंड्स इस मार्केट का प्राइस मुझे बहुत अच्छा लगा, सारे रीजनेबल प्राइस थे। भैया ये वाला कितने का है? भैया ये वाला भैया कितने का है? भैया ये कितने का है? ये वाला हाँ, ये वाला 1300 1300, बट 3-पीस सूट है ना। एंड फैमिली आप देख सकते हो 350 के, नहीं ये ना एंटीक पीस है, लाइक ये जो भी होते हैं मतलब डेकोरेशन के लिए, बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, और जेन्युइन रेट था यार। एंड फ्रेंड्स मुझे जनपद मार्केट बहुत पसंद आई। और यहाँ पे आप किसी भी दुकान पे ना ये लोग पैसे कम कर देते हैं। इसका कितना बताया आपने? 1150 बताया था प्राइस लगा। 1150 और इसका सेम ही रहेगा, कौन सा लेना आपको पसंद कर लो, प्राइस तो लग जाएगा। ठीक है। एंड फैमिली आप देख सकते हो ये सारे जितने भी बैंगल्स थे ना, मतलब ये जंक वाले बैंगल्स, ये 100 रुपीज के थे, जेन्युइन प्राइस था, और मेरे को इतने सुंदर लग रहे थे। हाय ऑल्सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे हर ये बोहो पर्स है, बोहो बैग, भाई भाई साहब बहुत अच्छा था डिजाइन। और ये मार्बल पर्स है, आई थिंक ये 700 का था। एंड बोहो बैग का मुझे प्राइस जो है ना फ्रेंड्स वो याद नहीं है। एंड मैं इस शॉप पर आ गई, एंड यहाँ पे मैं अपने लिए बैग्स वगैरह देख रही थी, बिकॉज ये बड़े कम्फी होते हैं। एंड ऑल्सो आप देख सकते हो पूरा एनवायरमेंट है यार, क्या वाइब है यार। एंड ये देख सकते हो फ्रेंड्स आप, ये हुक्के का मतलब शॉप है। एंड पीछे जो है मेरे दुपट्टा वगैरह मिल रहे हैं ढेर सारे, और मतलब फॉरनर्स के लिए ना ये तो बेस्ट जगह है ही, और अपने इंडियंस के लिए भी बेस्ट ही है, बिकॉज यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। और ये आपने देखा कोल्हापुरी चप्पल, ओह माय गॉड। और फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, आई थिंक ये जो नेकलेस था ना ये था माइट बी 300 और समथिंग, यार मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, सच्ची बता रही हूँ, बट मुझे बड़ा सुंदर लग रहा था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये यू नो लगा के देख लिया। और इसको बोलते हैं गुजराती लेन, और यहाँ पे भी बड़े फॉरनर्स वगैरह आते हैं, इनफैक्ट इंडियंस भी आते हैं, और जिनको शॉपिंग करनी होती है भाई वो तो लेके ही जाएंगे ना सामान। और इन आंटी के पास भी फ्रेंड्स बहुत खूबसूरत खूबसूरत टेबल मैट, बेड मैट बोलते हैं, ये सब था। और मैं अपने लिए बैग वगैरह देख रही थी। एंड फ्रेंड्स बड़ी फेस्टिव सी वाइब्स रहती है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, इनके पास बड़े खूबसूरत से बोहो बैग्स थे, लाइक बहुत लाइक लग रहा था कि भाई इनके पास पूरे स्पेशली बोहो बैग्स है, मतलब मस्त मस्त से। एंड ये मैं अपने लिए देख रही थी, फिर मैंने नहीं लिया, मैं सोचा फिर मैं दूसरे हिसाब से लूँगी, दूसरे टाइप का कुछ। और एंड दिस टेबल मैट फ्रेंड्स मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया, उसके बाद लग गई जोरों की भूख, फिर मैंने यहाँ पे खाए मोमोज। और फ्रेंड्स ऑनेस्टली स्पीकिंग मोमोज मैंने बहुत टाइम बाद खाया, और इनके मोमोज बड़े सॉफ्ट थे, बड़े टेस्टी से थे। 45 रुपीज़ का सिर्फ 4 पीस था, बट टेस्टी था। फिर यहाँ पे बनवाई हमने भल्ले पापड़ी, ये भी बड़ी स्वाद था यार, और मेरे को इतना तीखा लग गया था ना मोमोज की चटनी से। एंड फ्रेंड्स उसके बाद मैंने यहाँ से लिया 200 रुपीज़ का बैग, एंड मैं बहुत खुश थी, मुझे ये चाहिए था, यही वाला लिया है फ्रेंड्स मैंने। फ्रेंड्स आपको पता है, पता ही होगा कि मतलब जनपद एंड कनॉट प्लेस जस्ट आमने ही सामने हैं। एंड फिर मैंने
बस यहाँ से पानी लिया कि मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लग गई थी। एंड उसके बाद हमने किया ऑटो क्योंकि बारिश भी हो रही थी। एंड यस, आपको ये व्लॉग जनपद का कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।